जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। आप नए व्यूअर हो, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको निशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ मोटिवेशनल्स वीडियो, घरेलू नुस्खे, उपचार टिप्स, वास्तु टिप्स और बहुत ही अच्छे अच्छे तीज त्यौहारों के उपाय, जिन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी का हल हो सके। और दोस्तों, सकारात्मक ज्योतिष देने वाला एकमात्र चैनल डॉक्टर ओमचो और निशुल्क ज्योतिष परामर्श देने वाला एकमात्र चैनल डॉक्टर ओमचो। दोस्तों, वृश्चिक राशि के भाग्यशाली की पहचान, यदि मैं 5-7 बातें आपको बतलाऊंगा, जिन बातों में से यदि एक भी बात आपके साथ मैच होती जीवन में, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, इस बात को जान लीजिएगा। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप इन चीज़ों को जरूर सुने, पूरा वीडियो देखें और इस बातों को समझे जाने, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। पहली मुख्य बात होती है लाल तिल। जिस भी व्यक्ति के शरीर पर कहीं भी किसी भी जगह लाल तिल पाया जाता है, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। यह जो भाग्यशाली का केस है, यह रेयर, बहुत ही मुश्किल से आपको लाल तिल वाले व्यक्ति मिलते हैं, और जिस भी व्यक्ति के यहाँ लाल तिल होता है बहुत भाग्यशाली होता है दोस्तों। तो अगर आपके बच्चे, भाई बहन, दादा मामा चाचा किसी को भी हो, तो समझिए कि वो बहुत भाग्यशाली है। उसके पीछे आपको रीज़न बताऊंगा कि अगर उनके कहीं पर है और उसका लाभ नहीं ले पाए, तो वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है तिल, काला तिल। यदि आपके शरीर पर, यदि आप पुरुष हैं तो राइट हैंड साइड और महिला है तो लेफ्ट हैंड साइड, कहीं भी तिल होता है काला तिल, तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आप होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका सिम्टम्स मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल पूरी बात को। अभी पहले भाग्यशाली कौन कौन होते हैं वो बता देता हूँ। तीसरे नंबर पर आते हैं जिनका सिर बड़ा होता है, आपको उनके शरीर में हाथ पैर सबसे अधिक बड़ा सिर दिखाई अलग ही देगा, वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होंगे। वो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सिर का आकलन किया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई व्यक्ति बहुत मोटे होते हैं, कोई बहुत पतले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिर पूरे शरीर से अलग ही दिखाई देता है, यानी उनका सिर बहुत बड़ा होता है। जिनके सिर पर त्रिपुण बनता है, तीन रेखाएं समांतर एक साथ बहती है, एक साथ दिखती हैं, अब भौहों को ऊपर उठाएंगे तो आपको वो दिखाई दे सकती है, तो वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिन व्यक्तियों का अंगूठा और उंगली छोटी होती है, खासकर याद रखिए वृश्चिक राशि के जातक, जिनका अंगूठा और उंगली छोटी होती है, अंगूठे से उंगली छोटी होती है, तो वह व्यक्ति भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली होते हैं ये लोग, भावुक होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और कुल मिलाकर इनका व्यक्तित्व एक अलग ही होता है, इन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके साथ हैं, कोई भी एक भी चीज़ आपसे मिलती है, तो देखिए अगर आपको अभी तक आप भाग्यशाली में लाभ नहीं मिल पाया, तो उसके पीछे पहला रीज़न है, यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, बीड़ी पान सिगरेट जो भी सेवन करते हैं, ये सेवन बंद कर दें, क्योंकि यह सभी हमारे बृहस्पति को कमज़ोर करते हैं और हमारे नेगेटिव जो ग्रह हैं वो हैवी होकर हमें भाग्य का लाभ नहीं मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका ईश्वर में आस्थावादी नहीं होना, मंदिर जाइए, ईश्वर नहीं जा पाए तो ईश्वर का नाम ले, स्मरण करें और उसकी कृपा मांगे, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीज़ दूसरे नंबर पर ये है, और तीसरे नंबर पर है अपने माता पिता का आशीर्वाद बिल्कुल आप लेते रहिए, और उनकी उनकी कृपा के बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप भाग्यशाली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जय श्री महाकाल कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।